Hey guys, welcome back in Quick Tech. Welcome, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ट्रेवल दस्त। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इस वॉशिंग मशीन के बारे में बताने वाला हूं। ये वॉशिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक मशीन है और लगभग सभी घरों में है। तो इनमें जो है दो प्रॉब्लम वो आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि काफ़ी कॉमन है। सभी के वॉशिंग मशीन में ये प्रॉब्लम कभी ना कभी आती है, और ये प्रॉब्लम जब भी आती है तो आपकी जेब से काफ़ी अच्छी खासी रकम जो मैकेनिक है वो निकाल लेते हैं। तो एक प्रॉब्लम जो है वो है कि आपका स्पिनर काम नहीं करता, जो ये ड्रायर होता है ये बंद हो जाता है। तो मैकेनिक हमेशा बोलता है कि आपकी मोटर ख़राब है, मोटर चेंज होगी। दूसरा क्या है कि वो बार बार आती है कि आपका जो पानी है, आप इसमें पानी भरते हैं, वो बाहर निकल जाता है, सारा नहीं रुकता है। तो ये दो प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, बहुत बार आती है। और इनमें जो है चुटकी और पाना चुटकी होगा, कोई भी कर सकता है इनको ठीक, बट आप जो है आपको नॉलेज नहीं है, तो इसलिए आप इस पर कैसे बात करते हैं। तो मिस्त्रियों को चुना मारा जाने ना दें, आप खुद करें। आपसे ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही ये ठीक कर लेंगे। और कुछ भी आपको ना औजारों की जरूरत है, ना किसी आपको कोई सामान लाना है, सब इसमें अपने आप ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। तो चलिए बस फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको क्या चाहिए मैं बता देता हूँ। आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, मैं स्क्रू ड्राइवर रखा हूँ। तो स्क्रू ड्राइवर, तो स्क्रू ड्राइवर आ गया। तो ऐसा नहीं है कि इसको लेडीज़ नहीं कर सकती, वो भी इसको चुटके में ठीक कर लेंगे। तो चलिए इसको ठीक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले पैनल खोल लेना, यहाँ पे आपको स्क्रू दिख जाएंगे। तो इस स्क्रू ड्राइवर से आप खोल लीजिए। तो ये पैनल ऐसे हटा लेना आपको। तो स्पिनर, इनको भी खोल लेंगे। ये इसके कंट्रोल पैनल के पिन है, इनको भी खोल दें। तो देखिए इसमें दो चीज़ होती है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। एक तो ये होती है बेल्ट, ये देखिए ये आपका स्पिनर है, और ये बेल्ट जो है इसे जो इसका स्पिनर का ढक्कन होता है उस पर कनेक्टेड होती है। जैसे ही ये ढक्कन को आप क्लोज कर देते हैं तो ये बेल्ट जो है टाइट हो जाती है और ब्रेक्स जो है रिलीज हो जाते हैं, मोटर फ्री हो जाती है तो घूम सकती है। जैसे ही ढक्कन को खोल देंगे तो ये ब्रेक लग जाते हैं, ये जो है डेली हो जाती है। अभी देखिए टाइट है, और इसका मतलब ये ब्रेक खींचे हुए हैं और मोटर रिलीज है, क्योंकि ढक्कन बंद है। जैसे ही ढक्कन खुलेगा ये जो है ढीला हो जाएगा और जो ब्रेक है वो लग जाएंगे और मोटर जाम हो जाएगा। वो इसलिए होता है कि वो मोटर बंद होने के बाद भी मोमेंटम के कारण वो स्पिन होता रहता है, और उस टाइम आप हाथ डाल दें तो नुकसान आपको चोट लग सकती है, तो इसलिए ये ब्रेक दिया जाता है। तो ये ब्रेक की कई बार दिक्कत कर देते हैं, ब्रेक जो है ढक्कन खोलने बंद करने से कोई फर्क नहीं होता है, वो जाम रहते हैं तो उसको रिलीज करना होता है। तो आप इस बेल्ट को जो है टाइट कर देंगे, ढक्कन बंद करके इसको टाइट कर दें, इस पर फोल्ड करके किसी भी तरह से, इसमें फोल्डिंग के लिए बने होते हैं पॉइंट्स, फोल्ड कर दीजिए, ये टाइट हो जाएगी बेल्ट तो ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। और एक और पता चल जाएगा एक और तरीके से कि जब भी अगर ब्रेक के कारण आपका स्पिनर नहीं चल रहा है तो मोटर की आवाज़ आएगी हमिंग की, गूंज की, बट ये स्पिनर नहीं चल रहा है। तो समझ जाइए बेल्ट जो इसके ब्रेक है वो लगे हुए हैं। जैसे वैसा होता है कि कार में हैंड ब्रेक लगे रहते हैं और हम चला देते हैं तो कार जो है चलती नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है उसको काम में आना पड़ता है, तो वही चीज़ उसमें की। दूसरा, अगर आपका ये सब ठीक है, बेल्ट ठीक है, तो फिर यहाँ एक स्विच दिया रहता है, वो भी बटन वो स्विच जो है इसके ढक्कन से ही कनेक्टेड होता है, और वो जैसे ही ढक्कन क्लोज होता है वो स्विच ऑन हो जाता है, मोटर चल सकती है। और जैसे ही आप ढक्कन खोल देंगे स्विच ऑफ हो जाएगा और मोटर बंद हो जाएगी। तो मैं वो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो इसको खोलने का तरीका, स्क्रू खोल दिए, अब इसको ऊपर को उठाएंगे तो ये ऐसे उठ जाएगा। आप इधर लॉक करते हैं इसमें स्क्रू ड्राइवर डालकर, तो उस साइड से ऐसे मार देंगे तो ये निकल जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा, तो इस तरह से निकल जाएगा। तो मैं आपको वो स्विच भी दिखा देता हूँ। तो जो ये है वो स्विच, और ये है वो बेल्ट जो ढक्कन से कनेक्ट है। देखिए ये ढक्कन है, और ये देखिए बेल्ट की मूवमेंट देखिए किस तरह से अब खींच गई, ऊपर उठ गई, अब रिलीज हो गई। तो ऐसा कुछ रहता है। और अभी जो है ये आपका ढक्कन टूट गया है, जैसे ये क्रैक हो गया है, तो ये बेल्ट और ये स्विच काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि पोजीशन इसकी चेंज हो चुकी है। तो ये स्विच देख सकते हैं आप, इससे मोटर ऑन होती है स्पिनर की। तो इसको आपको देखना होगा कि ये ऑन ऑफ हो रही है नहीं। तो
मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर इस स्विच में एक पिन है, ये देखिए, ये ऊपर नीचे होती है। जैसे ही ये पिन ऊपर हो जाएगी, स्विच ऑन हो जाएगा, मोटर ऑन चल पड़ेगी, और जैसे ये नीचे जाएगी, स्विच ऑफ हो जाएगा, मोटर बंद हो जाएगी। तो देखिए, दो तार जो है मोटर की ही है, मोटर को स्विचिंग करवाती हैं। तो कई बार अब इस इसमें देखिए, ये जो है ये टूट गया ढक्कन, इसकी पोजीशन नीचे को चली गई है, नीचे हो गया है। तो ये जो है, ये पॉइंट इस पिन को नहीं उठाता है बंद होने पर, वरना क्या होता था कि जैसे ही इसको खुला रहता है तो ये पिन नीचे को रहती है और ऑफ कंडीशन होती है, जैसे ही ढक्कन लगता है तो वो उसको ऊपर उठा देता है और ये ऑन कंडीशन में आ जाता है स्विच। तो अभी क्या है, ये काम ही नहीं करता है, देखिए ये कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप उस कंडीशन में क्या करें, अगर आपके साथ भी ऐसा ही है, इसको उठा के देखें, चाहे आप किसी भी चीज़ से इसको उठा सकते हैं और मोटर को चला के देख सकते हैं। तो अभी अगर आप ये स्विच को, या तो स्विच ख़राब हो सकता है, अगर इसको उठाने पर भी नहीं चल रहा है तो स्विच भी ख़राब हो सकता है। तो आप इन दो तारों को शॉर्ट कर दीजिए, आपस में छील लीजिए, काट दीजिए यहाँ से, और छील कर इनको शॉर्ट करके टेप लगा दीजिए, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, फिर इससे ही चलेगा आपका। इसको घुमाएंगे तो मोटर स्पिनर चलेगा, और इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे तो बंद हो जाएगा। तो बस यही होता है, ये दो चीज़ें होती हैं, एक ये बेल्ट और एक ये आपका स्पिनर ऑन हो जाएगा। तो देखिए, मैंने इसको डायरेक्ट ऑन कर रखा है, इसमें मैं देखिए, ये एक टुकड़ा है पाइप का, ये मैं इसमें फंसा दूंगा और ये ऑलवेज ऑन की कंडीशन में रहेगा। ये देखिए, अब ये ऊपर को उठा हुआ है, तो ये ऑलवेज ऑन है स्विच। अब जो है, ये ऑन ढक्कन से कोई मतलब नहीं है, बंद करो या खोलो, आपका ये स्पिनर चलेगा अगर आपने यहाँ से ऑन कर दिया। तो यहाँ से ऑफ है, देखिए ऑफ कंडीशन में, तो बंद रहेगा, अगर मैं इसे घुमाऊँगा तो ये चल पड़ेगा। तो यही रहता है, देख लिया आपने, खोलने का तरीका देख लिया। मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ पानी का, कि पानी आपका जो है अगर निकलता रहता है, हमेशा रुकता नहीं है, तो फिर इसकी दिक्कत होती है। ये देखिए, इसमें भी एक बेल्ट है ब्लू कलर की, स्पिनर की बेल्ट अलग है, वो स्पिनर के नीचे गई हुई है, और ये दूसरी बेल्ट इसके लिए होती है। तो ये जो ऊपर को है, तो मतलब कि ये वॉल्व ने पानी को ब्लॉक किया हुआ है, तो ये कई बार जो है बेल्ट टूट जाती है तो पानी निकलता रहता है। अदरवाइज अधिकतर ये बेल्ट टूटती नहीं है, होता क्या है कि इसके अंदर कचरा जम जाता है इस कप में, और ये जो है वॉल्व ठीक से काम नहीं करता है तो पानी निकलता रहता है। अभी देखिए, इसको भी आप ठीक कर सकते हैं, इसको खोल के, ये जो आप चार पॉइंट देख रहे हैं, इनको अंदर की ओर दबाना है और इस ढक्कन को निकाल लेना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से करना है, फिर आपको उसको साफ़ करना है, इसके वॉल्व को। तो इनको अंदर को दबा के इसको उठाना है आपको, ये खुल गया। अब ये देखिए, ये जो है रबड़, इसको आप इसमें देखना है, कचरा तो नहीं है, या इसके अंदर कप में कुछ पड़ा तो नहीं है। अगर इसमें कुछ भी, कई बार क्या होता है कि पैसे पड़े घुस जाते हैं इसमें, तो वो निकाल दें, या कुछ भी फंसा हो कचरा निकाल दें, और इसे अच्छी तरह साफ़ करके फिर से फिट कर दें, ये रबड़ को भी साफ़ कर दें। इसमें धागे वागे लपेट जाते हैं तो फिर वो दिक्कत करते हैं, सक्शन नहीं बनने देते हैं। तो आप ये सब कर दीजिए, आपका ठीक हो जाएगा, साफ़ करके इसे बंद कर देंगे, पानी फिर से रुकने लगेगा। तो चलिए, मैं इसे वैसे का वैसे ही जैसे था वैसे बंद कर देता हूँ। ये लीजिए, ये बंद हो गया, ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो यही चीज़ होती है, पानी के लिए, पानी नहीं रुकता है तो आप इसको देखेंगे, इस कप को साफ़ कर देंगे, आपका पानी रुकने लगेगा। अगर आपका स्पिनर नहीं चल रहा है तो इस बेल्ट को चेक करेंगे, या फिर ऊपर उस स्विच को चेक करेंगे, ये खोल के इसका कंट्रोल पैनल, ठीक है। बस यही है, अभी आपका जो है वॉशिंग मशीन का स्पिनर चलने लगेगा। तो इतना ही करना है आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको चला कर भी। तो देखिए, मैं इसे ऑन करता हूँ, अभी चल पड़ेगी, देखिए आप देख पा रहे होंगे चल चुकी है। तो ये उस स्विच से हो रही है, तो अब इधर से ही ऑन ऑफ होगी, यहाँ से ऑफ कर दिया ऑफ, अब ये इस ढक्कन के थ्रू ऑन ऑफ नहीं होगी। तो बस इतना ही सा एक इसका नुकसान है कि ढक्कन के थ्रू ऑन ऑफ होना बंद हो जाएगी, आप मैनुअली कर पाएंगे। तो वीडियो से अगर आपको फ़ायदा हुआ है, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल को अब तक से आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं अभी के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।